मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सदर अस्पताल में बिना बना जिला कोविड टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेवा और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस दौरान वहां काम कर रहे कर्मियों को कई निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का कहना है कि कंट्रोल रूम और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को सलाह दी जा रही है, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा कंट्रोल रूम का आज मुआयना किया गया। उनके साथ जिले के सभी वरीय पदाधिकारी थे और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी भी थे। टेलीमेडिसिन सेवा की भी मुआयना किया गया और आवश्यक निर्देश उनके द्वारा दिए गए। कंट्रोल रूम के में प्रतियुक्त कर्मियों को भी उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिया। आपको मालूम होगा कि कोरोना कंट्रोल रूम सदर अस्पताल में चल रहा है, साथ ही कोविड के संभावित पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू की गई है, जिसमें पॉजिटिव जो भी पेशेंट हैं वो उस सेवा के जरिए उनको मदद पहुंचाई जा रही है। तो आज जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में चल रहे कोरोना कंट्रोल रूम का मुआयना किया।